प्लीज़ सब्सक्राइब सिविल सॉल्यूशन फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन समर सरफेस। स्टेटमेंट और में क्या है, द प्रेशर सेंटर is always below the centroid of any plane submerged surface that is not horizontal। देखिए यहाँ पर बोला है जो सेंटर ऑफ द प्रेशर ऑलवेज बिलो द सेंट्रोइड, ठीक है। हम लोग के पास जो सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी बाई ए इंटू एक्स बार इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है जो सेंटर ऑफ द प्रेशर ऑलवेज बिलो द सेंटर, ठीक है। मगर हॉरिजेंटल पोजीशन में आप आ जाते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो जाता है, उसका मतलब सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगा। तो हॉरिजेंटल पोजीशन में क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द प्रेशर इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट टू में, द टोटल फोर्स ऑन ए कर्व सरफेस इज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स एंड द सबमर्ज्ड एरिया। देखिए टोटल फोर्स क्या होता है, टोटल फोर्स जो टोटल प्रेशर एक्ट करता है कोई बॉडी के ऊपर, टोटल थ्रस्ट, उसको टोटल फोर्स बोलते हैं। टोटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इंटू ए इंटू एक्स बार, ठीक है। एक्स बार का मतलब क्या हो गया, ये हो गया सेंटर, ठीक है। उसका मतलब क्या हो गया, हम लोग एवरेज फोर्स लेते हैं इनटू एरिया करते हैं, ठीक है, ये भी सही है। स्टेटमेंट थ्री में क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट एनी पर्टिकुलर डेप्थ इज अ फंक्शन ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस। देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, काहे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है एच रो जी, मतलब डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है, कितना नीचे है तो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मतलब थ्री गलत है। उसके बाद स्टेटमेंट फोर में क्या है, द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन ए स्टैटिक रिजर्वर ऑफ ए फ्लूइड इज इक्वल टू वेयर द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। देखिए ये तो आपको पता होना ही चाहिए, भाटी कोई भी बॉडी अगर सामर्ज कंडीशन में रहेगा तो जितना पानी डिस्प्लेस करेगी इज इक्वल टू बॉडी का वेट होगा, मतलब ये सही है। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर देखिए डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट ऑन विथ लिस्ट टू एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट वन में क्या है, फेनोमेना। लिस्ट टू में क्या है, इक्वेशन बा कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिस्ट वन में पहले क्या है, आप लोग के पास फोर्स डेवलप्ड इन ए पाइप बेंड। देखिए यहाँ पर फोर्स डेवलप जो पाइप बेंड में होता है ना, ये आपको मोमेंटम इक्वेशन से मिलता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद पीटोस्टैटिक ट्यूब, पीटोस्टैटिक ट्यूब में क्या होता है, हम लोग एनर्जी इक्वल कर देते, दोनों पॉइंट में एनर्जी का क्या डिफरेंस है वो हम लोग इक्वल कर देते, ठीक है। तो ये होगा एनर्जी क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, फ्लो थ्रू स्मॉलर पैसेज प्रोड्यूस हायर वेलोसिटी। देखिए हम लोग क्वांटिटेटिव इक्वेशन में क्या पढ़ता है, मास कंजर्वेशन, मतलब डिस्चार्ज विल बी कॉन्स्टेंट। अभी देखिए डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, ए इंटू बी विल बी कॉन्स्टेंट। अभी देखिए ए का वैल्यू अगर स्मॉलर पैसेज हो जाएगा तो मतलब ए का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, उसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्वांटिटेटिव इक्वेशन से जाएगा, सी के साथ जाएगा ए। उसके बाद क्या है, वर्टेक्स फ्लो, वर्टेक्स फ्लो के साथ जाएगा मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। लिस्ट वन में क्या है, टिपिकल ऑकरेंस, लिस्ट टू में क्या है, रिलेवेंट फ्लो कंडीशन, ठीक है। देखिए लिस्ट वन में क्या है, कैविटेशन, कैविटेशन के साथ क्या जाएगा, फ्लूइड प्रेशर रिड्यूस टू वेपर प्रेशर लिमिट, ठीक है। कोई भी एरिया में अगर फ्लूइड प्रेशर उसका वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो कैविटेशन जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेपरेशन, सेपरेशन के साथ जाएगा थ्री ब्लॉक बॉडी ऑफ फ्लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टैग्नेशन पॉइंट, स्टैग्नेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है, अभी कोई पॉइंट में वेलोसिटी रिड्यूस हो गया तो वो स्टैग्नेशन पॉइंट होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वो स्टैग्नेशन पॉइंट जहाँ पर आप लोग के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, मतलब वेलोसिटी विल बी रिड्यूस हो जाएगा, तो ये होता है स्टैग्नेशन पॉइंट। तो सी के साथ जाएगा आपका ऑन। उसके बाद वेक, वेक के साथ एक ही है
तो क्या होगा, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट इन वाइडिंग बाउंड्री ऑफ फ्लो। ठीक है, तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर डी विल बी करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपको बोलना पड़ेगा। देखिए पहले स्टेटमेंट में क्या है, इन फ्री बॉडी स्ट्रीमलाइन कॉन्सेंट्रिक स्पाइरल एंड फ्लो कॉन्टिन्यूअसली सर्कल द ओरिजिन। देखिए फ्री वोर्टेक्स में क्या होता है, स्ट्रीमलाइन स्पाइरल नहीं होता है, स्ट्रीमलाइन होता है सर्कुलर। यहाँ पर जो पिक्चर है वहां पर देखिए स्ट्रीमलाइन कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर होता है, नॉट स्पाइरल। तो मतलब ए गलत है। ठीक है, उसके बाद आप स्टेटमेंट बी सी डी चेक कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर ए विल बी करेक्ट। उसके बाद स्टेटमेंट बी में क्या है, इन फ्री बॉडीज द फोर वेलोसिटी इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। फोर वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, फोर वेलोसिटी वेरीज इनवर्सली फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन, ये भी सही है। उसके बाद क्या है, सी में द फ्री बॉडीज फ्लो इज रोटेशनल एट द कोर एंड इरोटेशनल एट द हॉमिट। मतलब फ्री बॉडीज में क्या होता है, देखिए अगर आप कोर के अंदर है उसका मतलब क्या है, फ्लो विल बी रोटेटेड अबाउट द मास सेंटर, मतलब फ्लो विल बी रोटेशनल, और अवे फ्रॉम द सेंटर तो क्या होगा, फ्लो इज इरोटेशन। उसके बाद डी में क्या है, इन ए फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो इज रोटेशनल द फ्लूइड वर्टिकल अंडरगो रोटेशन अबाउट देयर मास सेंटर। फोर्स वॉर्टेक्स में क्या होता है, फ्लूइड ऑलवेज रोटेटेड अबाउट देयर मास सेंटर, ए भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप लोगों के पास चार स्टेटमेंट है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। ठीक है, द इक्विपोटेंशियल लाइन आर सर्कल। ठीक है, ए स्टेटमेंट सही है, इक्विपोटेंशियल लाइन आर सर्कल, ए सही है। उसके बाद क्या है, फ्लो नेट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। देखिए जो फ्लो नेट होता है ना, फ्लो नेट रिप्रेजेंट करता है टू डायमेंशनल इरोटेशन फ्लो के लिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, काहे कि हम लोग ने एक बार डिस्कस किया था स्टीम फंक्शन और फाई फंक्शन के लिए। ठीक है, तो स्टीम फंक्शन क्या होता है, इरोटेशन रोटेशन के लिए एग्जिट करता है, मगर फाई फंक्शन क्या होता है, सिर्फ इरोटेशन फ्लो के लिए एग्जिट करता है। ठीक है, रोटेशन फ्लो के लिए एग्जिट नहीं करता है, इसका मतलब आपका हाई फंक्शन और स्टीम फंक्शन दोनों एग्जिट करेगा, उसके बाद ही आप इक्विपोटेंशियल लाइन ड्रॉ कर सकते, उसके बाद ही आप फ्लो नेट ड्रॉ कर सकते हैं, क्या कि फ्लो नेट विथ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट थ्री, द बाउंड्री एक्ट एज लिमिटिंग इक्विपोटेंशियल लाइंस इन ए फ्लो नेट। देखिए बाउंड्री एक्ट एज ए लिमिटिंग इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं होता है, बाउंड्री ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रीम लाइन का लिमिटिंग होता है, तो ये गलत है। तीन स्टेटमेंट आप लोग के पास गलत है। उसके बाद चार नंबर स्टेटमेंट क्या है, द यूनिफॉर्म फ्लो डिजाइन स्ट्रीम लाइन विल बी पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस। अगर फ्लो यूनिफॉर्म हो गया उसका मतलब क्या होगा, स्ट्रीम लाइन इक्वी डिस्टेंस एवं पैरेलल होगा, ये सही है। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखिए लिस्ट वन में क्या है, रेंडोस नंबर, हम लोग ने फैक्सली डिस्कस किया था रेंडोस नंबर, फोर्टिस नंबर, वेबर नंबर, मैग नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग के पास जो चार्ट है, इस चार्ट याद कर लेना ही सही है। रेंडोस नंबर के साथ कौन सा जाएगा, उसका मतलब विस्कस फोर्स जाएगा। उसके बाद फोर्टीन नंबर, फोर्टीन नंबर के साथ कौन सा जाएगा, ग्रेविटी फोर्स जाएगा। उसके बाद वेबर नंबर, वेबर नंबर से जाएगा सरफेस एनर्जी फोर्स। उसके बाद मैक नंबर, मैक नंबर से जाएगा इलास्टिक फोर्स। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर C will be correct. Next question, which one of the following statement is not correct? आप लोगों के पास चार स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट के अंदर कौन सा गलत है आपको बोलना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, इन द स्टडी ऑफ फ्लो बिटवीन टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट द फ्लो इज अज्यूम्ड टू टू डायमेंशन। देखिए अभी दो पैरेलल प्लेट के अंदर से फ्लो हो रहा है, हम लोग टू डायमेंशन एज ए अजम्पशन कर लेते हैं, ये सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है,
in the flow between the parallel plates, if the distance between the plate and the viscosity remain constant, then the pressure gradient is also constant, provided the फ्लो इज स्टेडी। देखिए प्रेशर ड्रॉप का जो फॉर्मूला होता है ना, पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू 12 म्यू वी इंटू एल बाई टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बोला है आपका, म्यू कॉन्स्टेंट हो गया, टी वी कॉन्स्टेंट हो गया, मगर यहाँ पर देखिए वी के ऊपर डिपेंडेबल होता है, तो यहाँ पर गलत है, तो प्रेशर ड्रॉप कॉन्स्टेंट नहीं होगा अगर वी कॉन्स्टेंट नहीं हुआ तो। ठीक है, मतलब आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर बी करेक्ट है, तो बाकी दो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्या है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ए लैमिनर फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, सो द वेलोसिटी वेरीज डायरेक्टली विद द प्रेशर ग्रेडिएंट। देखिए फॉर्मूला में वही लिखा है, तो ऐसे ही है। उसके बाद क्या है, इन केस ऑफ द फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट वेरिएशन ऑफ शेयर इज लीनियर। देखिए शेयर का जो वेरिएशन होता है पैरेलल प्लेट के अंदर फ्लो के लिए वो लीनियर होता है। ठीक है, सेंटर में शेयर सबसे कम होता है और एज में शेयर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है, वाटर हैमर ऑकर इन ए सिचुएशन व्हेन देयर इज अनस्टेडी फ्लो इन पाइप। मतलब कोई भी पाइप से आपका अनस्टेडी फ्लो हो रहा है, मतलब फ्लो पैरामीटर डज नॉट चेंज विद द टाइम, देन वाटर हैमर ऑकर होता है, ये सही है। ठीक है, तो वाटर हैमर कब होता है, आप किसी कोई भी पाइप के अंदर कोई भी वाल्व को गैजुअली और टाइम स्लोली ऑफ कर रहे हैं, तो उसके बाद ही वाटर हैमर होगा, तो वाटर हैमर जब होगा तो अनस्टेडी सिचुएशन जनरेट हो जाएगा, तो ये सही है। उसके बाद क्या है, फॉल ऑफ प्रेशर ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी रिजल्ट इन द फेनोमेना ऑफ वाटर हैमर। देखिए वाटर हैमर में सडनली आप ऑफ कर रहे हो और ग्रेजुअली आप वाल्व को ऑफ कर रहे हो, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब वेलोसिटी का डिक्रीज नहीं होगा, वेलोसिटी का इंक्रीज होगा, तो ए गलत है, तो बी स्टेटमेंट आपका गलत है, तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर बी विल बी करेक्ट। उसके बाद आप स्टेटमेंट सी डी चेक कर सकते हैं। सी में क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ हाई प्रेशर थ्रू इलास्टिक मीडिया गिव्स राइज ऑफ द वाटर हैमर। ऑब्वियसली हाई प्रेशर होगा तो वाटर हैमर होगा। उसके बाद क्या है, फॉर वाटर हैमर टू डेवलप द वाल्व एट द एंड ऑफ द पाइपलाइन मस्ट फुल क्लोज्ड। ये सही है, आपको फुल कोस्ट करना पड़ेगा, आधा क्लोज करने से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑन द फॉलोइंग पेयर टाइप ऑफ द फ्लो एंड सिचुएशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, पहले क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, वेलोसिटी चेंज मैग्नीट्यूड विद डिस्टेंस। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑफ द फ्लो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, यह हुआ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, मतलब वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगा, तो ये सही है। उसके बाद क्या है, यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर एट ऑल पॉइंट इन द फ्लो इज सेम एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम, तो यूनिफॉर्म फ्लो होगा। यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, फ्लो इन ए चैनल बेंड, अगर चैनल में बेंड के अंदर फ्लो हो रहा है उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज होगा, वहाँ पर फ्रिक्शन आएगा, तो इसके लिए वेलोसिटी चेंज होना ही पड़ेगा, उसका मतलब एक गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टेडी फ्लो वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद द टाइम, ये भी सही है। ठीक है, स्टेडी फ्लो। उसके बाद क्या है, ट्रैंक्विल और सबक्रिटिकल फ्लो क्या होता है, श्रोडिंगर लेस देन ऑन, ये सही है, तो उसका मतलब आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए सर्कुलर चैनल विथ आर जीरो एज द रेडियस ऑफ द चैनल टू बी एफिशिएंट। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है आपको बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट चैनल सेक्शन के लिए क्या होता है, रेक्टेंगुलर के लिए क्या होता है, ट्रेपेजॉइडल के लिए क्या होता है, ट्राइंगुलर के लिए क्या होता है, सर्कुलर के लिए क्या होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सर्कुलर के लिए क्या है, अगर सर्कुलर के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी बोला हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी बोलने का मतलब क्या है, डेप्थ ऑफ द फ्लो y इज इक्वल टू 0.8 ऑन d होगा, मतलब इसको अगर आप रेडियस में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, 1.6
टू डी। देखिए आप लोग के पास ऑप्शन सी में क्या है, डेप्थ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी मस्ट बी 1.62 R0, तो मतलब ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो क्या होगा y इज इक्वल टू 0.95 d, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉस ऑफ एनर्जी इन ए हाइड्रोलिक जाम फॉर्म्ड इन ए रेक्टेंगुलर चैनल इज गिवन बाय। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ए के इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डेली इज इक्वल टू ऑय टू माइनस ऑयन होल टू द वर्ड क्यू बाई 4 × ऑयन × ऑय टू, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है। स्पेसिफिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी अबव द फ्लोर ऑफ ए ओपन चैनल। देखिए स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी होता है आप चैनल बॉटम को एज ए डाटम पकड़ के अगर टोटल एनर्जी बाहर करते हैं तो जितना एनर्जी मिलेगा वो होता है स्पेसिफिक एनर्जी। तो ऑप्शन ए में वही लिखा हुआ है, ये सही है। उसके बाद क्या है ऑल्टरनेटिव डेप्थ, ऑल्टरनेटिव डेप्थ किसको बोलता है। देखिए स्पेसिफिक एनर्जी दोनों पॉइंट में इक्वल हो सकता है, दोनों डेप्थ में, इस डेप्थ को अल्टरनेटिव डेप्थ बोलता है। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट क्रिटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक एनर्जी। देखिए आप लोग के पास जो ग्राफ है वहां से पता चलता है फॉर द क्रिटिकल कंडीशन स्पेसिफिक एनर्जी सबसे मिनिमम होता है, तो ये गलत है। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर सी विल बी सही है, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑकर एट 14 नंबर ऑन, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, फॉर 14 क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए 14 नंबर ऑन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑन द फॉलोइंग पेयर सिचुएशन एंड द टाइप ऑफ वाटर सरफेस प्रोफाइल इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, अब लोग के पास कौन सा प्रोफाइल है, माइलस्लोप का क्रिटिकल स्लोप का। देखिए पहले क्या होता है माइलस्लोप का कितना प्रोफाइल होता है, 3 प्रोफाइल होता है M1, M2, M3, और क्रिटिकल स्लोप का कौन सा प्रोफाइल होता है C1, C3। ठीक है, माइल स्लोप के एम वन प्रोफाइल का मतलब क्या है, नॉर्मल डेप्थ के ऊपर फ्लो हो रहा है, एम टू का मतलब क्या है नॉर्मल डेप्थ टू क्रिटिकल डेप्थ फ्लो हो रहा है, और एम थ्री का मतलब क्रिटिकल डेप्थ से नीचे फ्लो हो रहा है। अभी देखिए ये ऑप्शन ए में क्या है माइल स्लोप फ्लो ओवर फी ओवरऑल एम टू। देखिए अभी एम टू प्रोफाइल फ्लो रहा है, एम टू प्रोफाइल कैसा होता है आपका, एम टू प्रोफाइल होता है ड्रॉ डाउन प्रोफाइल। ठीक है, देखिए एम टू प्रोफाइल ऊपर से कोई फ्लो नीचे हो सकता है, तो ये पॉसिबल है कोई और ऐसे ऊपर से फ्लो हो रहा है, तो एम टू इज पॉसिबल है कि ड्रॉ डाउन प्रोफाइल है। उसके बाद क्या है देखिए माइल्स ऑफ फी डाउन स्ट्रीम ऑफ स्लुइज गेट एम वन प्रोफाइल। देखिए एम वन प्रोफाइल क्या होता है, एम वन प्रोफाइल नॉर्मल रेट के ऊपर रहते हैं, तो नॉर्मल रेट के ऊपर अगर एम वन प्रोफाइल होगा तो स्लुइज गेट वहाँ पर नहीं हो सकता है, स्लुइज गेट का प्रोफाइल डाउन स्ट्रीम में तभी हो सकता है जब एम थ्री प्रोफाइल होगा। ठीक है, मतलब वहाँ पर डेप्थ कम होगा, उसके बाद डेप्थ ज़्यादा होते रहेगा। ठीक है, तो ये हो सकता है मगर एम वन प्रोफाइल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, तो ये गलत है, तो ये ऑप्शन सही है। तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। लिस्ट वन में क्या है सरफेस प्रोफाइल, लिस्ट टू में क्या है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोफाइल। ठीक है, तो पहले लिस्ट वन में क्या है, ए ऑप्शन है एम टू प्रोफाइल। देखिए एम टू प्रोफाइल में क्या होता है, जो आप लोग के पास अब चार्ट है इस चार्ट को थोड़ा सा याद रख लेना सही है। तो हम लोग ने पहले डिस्कस किया था डी आई बाई डी एक्स कैसे निकलता है, डी आई डी एक्स का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर देखिए डी आई बाई डी एक्स अगर नेगेटिव होगा तो उसका मतलब होगा ड्रॉ डाउन कब, और डी आई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव मतलब राइजिंग कब होगा, मतलब बैक वाटर कब होगा। ठीक है, तो एम टू प्रोफाइल में क्या होता है, एम टू प्रोफाइल में माइनस होता है मतलब ड्रॉ डाउन कब होगा। ठीक है, ड्रॉ डाउन कब होगा, देखिए ऑप्शन में क्या है, दो नंबर ऑप्शन में देखिए कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, ठीक है डाउनवर्ड अपस्ट्रीम एसिम्पोटिक नॉर्मल डेप्थ विद द डेप्थ इन डिक्रीजिंग एंड डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन। ठीक है, तो मतलब ए सही है। ठीक है, तो एक एम टू के साथ जाएगा टू, उसके बाद क्या है एस थ्री। ठीक है, एस थ्री के साथ क्या होगा, देखिए एस थ्री में क्या होता है आपका जो एस थ्री है ना वो बैकवर्ड कर्व होता है,
बैकऑर्डर कब होता है एंड डेट ऑफ द रिलेशन क्या होता है एस थ्री का, वाई सी वाई सी वाई एन ग्रेटर देन वाई, वाई से ज्यादा होता है मतलब कॉन्वेक्स अपवर्ड डेप्थ ऑफ द इंक्रीजिंग इन द फ्लो डायरेक्शन ठीक है टू नॉर्मल डेप्थ एट डाउन और डायरेक्शन ठीक है मतलब बी के साथ जाएगा फोर। उसके बाद क्या है सी ऑन कर्व, सी ऑन कर्व में क्या होगा देखिए सी ऑन कर्व में होता है आपका डिओबेडेक्स पॉजिटिव ठीक है मतलब राइजिंग होगा ठीक है तो कॉन्वेक्स अपवर्ड एसिम्प्टोटिकली टू हॉरिजॉन्टल एट द डाउन स्ट्रीम एंड डेप्थ इंक्रीजिंग विद द डाउन स्ट्रीम ठीक है। उसके बाद क्या है ए थ्री कर्व, ए थ्री कर्व के साथ आपका कौन सा जाएगा प्लस होता है डायबिटिक्स पॉजिटिव होता है एथी होगा आपका डेप्थ इंक्रीजिंग डाउनस्ट्रीम एंड मीटिंग ए एंगल टू क्रिटिकल डेप्थ लाइन ए कर्व विद एन इंफ्लेक्शन पॉइंट ठीक है। तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग फ्लूइड, आप लोगों के पांच फ्लूइड है, पांच फ्लूइड के अंदर था कौन सा नॉन न्यूट्रल फ्लूइड है ये आपको बोलना है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, आप पहले पहले वीडियो देख सकते हैं ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आप लोग के पास सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ठीक है। तो ऑन थ्री एंड फोर दैट इज नॉन न्यूट्रॉनिक फ्लूइड ठीक है। इफ एनी प्रॉब्लम अबाउट एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन सेंड एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब सिविल सॉल्यूशन फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।